मुंबई पुलिस ने बुधवार को अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी पर 2018 में एक मां और बेटे की खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। इसके लिए अर्णब गोस्वामी ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है, जिसकी लाइव तस्वीरें रिपब्लिक टीवी ने दिखाई थी, जिसमें अर्णब और पुलिस के बीच हाथापाई की तस्वीरें सामने आई। अर्णब गोस्वामी पर 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी माँ को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। इस मामले में अन्वय की पत्नी अक्षता ने बीते माह मई में आरोप लगाया था। अक्षता का आरोप है कि उनके पति अन्वय ने अर्णब गोस्वामी के स्टूडियो का इंटीरियर किया, जिसमें 500 मजदूरों ने काम किया था। अर्णब ने बाद में 5 करोड़ 40 लाख का भुगतान नहीं किया, जिसके कारण अन्वय को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, जिससे आज ही जाकर अन्वय ने अपनी माँ के साथ खुदकुशी कर ली। इस मामले में अक्षता ने उद्धव सरकार से भी गुहार लगाई थी। इस संबंध में अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी ट्वीट के माध्यम से अर्णब की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार कितनी जुबानें बंद करेगी। उन्होंने कहा कि आप जितनी आवाजें बंद करेंगे उतनी ही नई आवाजें सामने आएंगी। मैं महाराष्ट्र सरकार को ये पूछना चाहती हूँ कि आपने आज अर्णब गोस्वामी के घर में जाके उनको मारा है, उनके बाल नोचे हैं, उनको असॉल्ट किया है, कितने घर तोड़ेंगे आप और कितने गले दबाएंगे, कितने बाल नोचेंगे आप, कितनी आवाज़ें बंद करेंगे आप? सोनिया सेना, कितने मुंह बंद करेंगे आप? ये मुंह बढ़ते ही जाएंगे। आज कितने हमसे पहले कितने शहीदों के तो गले काटे गए हैं, उनको लटकाया गया है फ्री स्पीच के लिए, कोई बात नहीं। एक आवाज बंद करेंगे कई उठ जाएंगी, कितनी आवाजें बंद करेंगे आप? और गुस्सा क्यों आता है? कोई पेंगुइन कहता है तो गुस्सा आता है, अब पेंगुइन लगते हैं तो पेंगुइन कहेंगे, क्यों गुस्सा आता है? पप्पू सेना कहते हैं, अब पापा के पप्पू जैसा काम करेंगे तो पप्पू सेना तो कहेंगे। सोनिया सेना कहते, गुस्सा आता है क्या? तो हो तुम सोनिया सेना। अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर महाराष्ट्र में अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा की और इसे प्रेस की आज़ादी पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना ने आपातकाल की याद दिलाई, जब प्रेस की आज़ादी को दबाया गया था। अर्णब की गिरफ्तारी के मामले में घिरती हुई महाराष्ट्र सरकार के समर्थन में आए शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि पुलिस को सबूत मिले तो पुलिस ने कार्रवाई की, हमने बदले की भावना से किसी पर कार्रवाई नहीं की है, इस मामले में हमें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़े इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।